हेलो एवरीवन, तो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। यहाँ ऑपरेशंस का मतलब इनपुट और आउटपुट फंक्शंस है। ये कंप्यूटर में लोड होने वाला सबसे पहला प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और हमारे बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। अब हम बढ़ते हैं उनकी फंक्शंस की तरफ। सबसे पहला, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को एलोकेट और डीएलोकेट करता है और ये निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्सेज दी जाएं और एलोकेट की जाएं। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है और प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी में कौन से भाग का यूज़ किस प्रोग्राम ने किया है। तीसरा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस की जानकारी रखता है, इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। ये निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाएँ, कब दी जाएँ और कितने समय के लिए दी जाएँ। चौथा, सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम या डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। कैसे? पासवर्ड के द्वारा। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल। सबसे पहला विंडोज़, दूसरा मैकिंटोश यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एंड्रॉयड, चौथा लिनक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।